हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। असम में बाढ़ घटने लगा। ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर बिहार की तरह असम भी बाढ़ से बेहाल है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर अब धीरे धीरे घट रहा है, इसे बड़ी राहत माना जा रहा है। असम में साल में चौथी बार बाढ़ आने से राज्य को बड़ा नुकसान हुआ है, 102 लोगों की मौत हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस बार बाढ़ से 2543 गांवों पर बड़ा असर पड़ा है। करीब 1.25 लाख हेक्टर में लगाई गई फसल को नुकसान पहुंचा है। 500 से ज्यादा राहत कैंपों में 50,000 से ज्यादा लोगों को शरण लेनी पड़ी। केंद्रीय जल आयोग अध्यक्ष R.K. जैन ने कहा कि बिहार और असम में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर है। उन्होंने चेताया कि दोनों राज्यों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून सीजन के दौरान औसत से ज्यादा बारिश ने बिहार और असम में कहर बरपा दिया है, जहां लाखों लोग बाढ़ की चपेट में फंसे हुए हैं। केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन ने कहा कि असम के करीब 17 और बिहार के करीब 9 जिलों में बड़ी नदियां खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही हैं। बिहार और असम में आए इस भयानक बाढ़ ने लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। कोरोना संकट के दौरान आए इस आपदा ने लोगों की मुश्किलें दोगुनी बढ़ा दी है। केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन R.K. जैन ने कहा कि बिहार में बाढ़ की हालत चिंताजनक है। बिहार में 40 बाढ़ पूर्वानुमान केंद्रों में से 20 बाढ़ पूर्वानुमान केंद्रों के दायरे में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पूर्णिया, कटिहार, अरिया, मधुबन, सुपौल, खगड़िया, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है। राज्य के 9 से 10 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। प्रभावित जिलों में अगले 4 से 5 दिन तक बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहती रहेंगी। केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन R.K. जैन ने कहा कि बिहार में इस सीजन में औसत से 1.5 गुना ज्यादा बारिश हुई है। बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण है बारिश। 1 जून से अब तक बिहार में औसत से 52% ज्यादा बारिश हुई है। पिछले हफ्ते 61% औसत से ज्यादा बारिश हुई है। चिंता असम में बाढ़ की स्थिति को लेकर भी है। असम में 30 बाढ़ पूर्वानुमान केंद्रों में से 13 केंद्रों के दायरे में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम में 16 से 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। R.K. जैन ने कहा कि असम में भी बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर है। इस सीजन में असम में 19% औसत से ज्यादा बारिश हुई है। पिछले एक हफ्ते में वहां औसत से 37% ज्यादा बारिश हुई है। जागरूक टीवी की खास रिपोर्ट।